दलों को जो इस महागठबंधन में शामिल हुए हैं और जो पहले से थे, उनका आभार मैं प्रकट करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी वरिष्ठ नेताओं को जो यहाँ उपस्थित हैं, और ख़ास तौर पे आदरणीय श्रीमती सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, येचुरी जी का, डी राजा जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि हम लोगों ने एक धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय, बिहार के तरक्की के लिए एक मजबूत विकल्प बिहार की जनता के सामने रखा है। मैं धन्यवाद फिर से करूंगा कि इन सभी नेताओं ने, सभी दलों ने मेरे नेतृत्व में आगे करते हुए जो विश्वास मुझ पर जो रखा है, मैं वादा करता हूं कि मैं सभी के वादों पर खड़ा उतरूंगा। बिहार की जनता बदहाल है, परेशान है, बेरोजगार है, लाचार है, बीमार है, और बिहार की जो डबल इंजन की सरकार, जो मौजूदा जो सरकार है, वो पूरी तरीके से आईसीयू में है। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अब तक बिहार से गरीबी नहीं मिटा पाए 15 सालों में, अब तक बेरोजगारी नहीं हटा पाए, अब तक भूखमरी खत्म नहीं कर पाए, बिहार में एक कारखाना नहीं लगा, लोगों नौजवानों पर डंडे बरसाने का काम किया है, किसानों को जो शोषण करने का काम किया है, अब तो लगातार 3 जो बिल लेकर के जो लाने का काम किया, सही मायने में नीतीश कुमार जी ने ये 2006 में किया था। इसके वजह से ये हाल हुआ कि बिहार के किसान और गरीब होते चले गए और पलायन करने पे मजबूर हो गए। ये पलायन नहीं रोक पाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नीतीश कुमार रोजगार नहीं दे पाए। हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि बिहार की जनता अगर हमको मौका देगी तो उनके मान सम्मान की रक्षा हम करेंगे और सुरक्षा करेंगे, तरक्की पे लेकर के चलेंगे, सभी जात धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के चलेंगे। अभी आप देखते होंगे अपने लोगों को ही, मजदूरों को जो 15 साल में पलायन नहीं रोक पाए, रोजगार नहीं दे पाए, जो बिहार आने से रोक दिया, उनको अपमानित किया, चिट्ठी निकाल के उन मजदूरों पर लाठी बरसाने का काम किया, ये बिहार के नौजवान, किसान, बेरोजगार, मजदूर, गरीब, ये भूले नहीं हैं। हर घंटे में बिहार में, 4 घंटे में बिहार में एक रेप होता है, 5 घंटे में एक हत्या होती है। तो इस पर ज़्यादा हमको विश्लेषण नहीं करना, लेकिन हम ठेठ बिहारी हैं, हम ठेठ बिहारी हैं, जो वादा करते हैं उसको हम पूरा करेंगे। और एक बात बता दें, हम ठेठ बिहारी होने के साथ साथ मेरा DNA भी बहुत शुद्ध है। अभी जो मौजूदा सरकार है, जल पानी एक जगह जो जम जाता है, उस जल के जमने से कीचड़, काई, बीमारी जो फैलती है, ऐसी स्थिति मौजूदा सरकार की है। बिहार को एक विकल्प चाहिए, शुद्ध जल जो बहता है जैसे नदी का बहता है, वैसा बिहार को विकल्प चाहिए, जो कि हम लोग एक नदी के तरह शुद्ध बहती हुई जल के धारा की तरह, वो बिहार की जनता को हम लोग देने का काम करें। अभी आप लोग सबसे चीज़ें जो हैं बेचैन होंगे कि महागठबंधन में किसको कितनी हिस्सेदारी मिली, और बहुत दिनों से आप लोग भी परेशान थे कि भाई क्या क्या विकल्प है, कौन होगा चेहरा। तो इस प्रश्न पर सभी लोगों को जवाब मिल चुका है, और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहारी जाग चुके हैं, उन्होंने ठान लिया है कि इस बार 15 साल तक जिन्होंने बिहार के जनता को धोखा देने का काम किया, बिहार के मुख्यमंत्री डर और लालच के कारण
उन्होंने जो समझौता किया सांप्रदायिक शक्तियों से, जनादेश का जो अपमान किया, वो बिहार की जनता नहीं भूली है। 4 साल में 4 सरकार, कहां से होगा विकास? स्टेबल गवर्नमेंट को अनस्टेबल कर दिया गया कुर्सी के प्यार में। उनको बिहार की चिंता नहीं, कहते होंगे बिहार हमारा परिवार है। बिहार भाषण से नहीं काम पे विश्वास करता है। और इन्होंने जो परिवार का नाम दिया है, हम तो इतना कहेंगे कि बिहार के गौरव के लिए, बिहार को तरक्की के रास्ते पे लाने के लिए, हम बिहार की जनता से हम मांगते हैं कि हम लोगों को एक मौका दीजिए और जितने वादे हम लोगों ने करेंगे, जो 10 लाख नौकरी का जो हम लोगों ने वादा किया है, केवल स्थाई और सरकारी नौकरी है 10 लाख, 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में, स्वास्थ्य विभाग में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में, लगभग 4.5 लाख। राष्ट्र औसत के मुकाबले लाने के लिए हमको 5.5 लाख और चाहिए, सभी मानकों को पूरा करते हुए, जो आंकड़ा 10 लाख का बनता है। और हमने ये वादा किया है बिहार की जनता से कि पहले कैबिनेट में, पहले कलम से, पहले हस्ताक्षर से 10 लाख रोजगार, सरकारी और स्थायी नौकरी हम बिहार के नौजवानों को देने का काम करेंगे। यानी आज से समझिए कि 10 नवंबर रिजल्ट आएगा और 28 नवंबर तक सरकार बन जानी है, यानी 1.5 महीने पे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। ये रोजगार तो केवल सरकारी है, हमारा मकसद है। और ये सरकारी नौकरियों में भी जो फॉर्म की जो फीस जो जमा होती है, उसको भी हम लोग खत्म करेंगे, कोई पैसा उस फॉर्म का हम लोग नहीं लेने का काम करेंगे। आगे हम लोग सभी दल यहाँ बैठे हैं, आगे हम लोग अपना ब्लूप्रिंट, क्या विजन है हमारा, हर एक सेक्टर को, सारे हमारे बुद्धिजीवियों से, एक्सपर्ट से, इकोनॉमिस्ट से हमारी बातचीत चल रही है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जल्दी ही कुछ दिनों के बाद अंतिम रूपरेखा दी जा रही है, वो आप लोगों के सामने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो आप लोगों के सामने हम रखेंगे अलग अलग क्षेत्रों का। मैं मानता हूं कि यहाँ जितने दल हैं, सभी पार्टियां चाहती थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनको मिले। और जितने भी महागठबंधन के CPI, CPM, माले, कांग्रेस, VIP, RJD के जितने भी कार्यकर्ता या वर्कर, नेता, पदाधिकारी, उनसे अब इतना कहना चाहेंगे कि निराश मत होइए, कहीं सीट एडजस्टमेंट में अगर एडजस्ट नहीं हो पाए, मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि बिहार को बचाने के लिए छोटी सी कुर्बानी हम लोगों को देना पड़ेगा। और आपके इस कुर्बानी का हम मान सम्मान और रक्षा हम करेंगे और बेहतर रिजल्ट हम ला करके देने का काम करेंगे। तो आप लोगों से जो हम लोगों का फैसला हुआ है, सभी गठबंधन के नेताओं का, तो हम आपको नंबर बता दें। सबसे पहले CPM पार्टी को हम लोगों ने 4 सीटें, CPI पार्टी को 6 सीटें, CPI माले को 19 सीटें, कांग्रेस को 70 सीटें, और जो बाई इलेक्शन होने वाला है लोकसभा वाल्मीकि नगर का, पिछले बार भी कांग्रेस हमारे गठबंधन से लड़ी थी, वो सीट पे हम लोगों का समर्थन कांग्रेस को रहेगा, यानी 70+1 लोकसभा सीट कांग्रेस का। राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 144 से 144
44 सीटें, 144 सीटें बची हैं, जिसमें कि हमारी बात मुकेश साहनी जी से अकोमोडेट करने की हो रही है। हेमंत सोरेन जो जेएमएम के पार्टी हैं, उनको भी, उनसे भी बातें हमारी चल रही हैं। यानी 144 जो सीटें हैं उसमें से वीआईपी पार्टी और जेएमएम को राष्ट्रीय जनता दल, दो तीन दिनों में जो होगा फैसला वो आप लोगों के सामने रखेगा। तो ये टोटल जो है आंकड़े आप लोगों को हम फिर से दोहरा दें। राष्ट्रीय जनता दल 144, जिसमें अकोमोडेट वीआईपी और जेएमएम को करना है। कांग्रेस 70+1 लोकसभा, सीपीआई माले 19, सीपीआई 6, सीपीएम 4। तो टोटल आंकड़ा 243 का है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मिल करके सरकार बनाएंगे और ये जो लड़ाई है ये जनता बनाम डबल इंजन सरकार के खिलाफ है और हम जनता के साथ हैं। तो और कोई सवाल